लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के चुनाव के लिए गोरखपुर सदर लोकसभा और बांसगांव सुरक्षित सीट के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिसको लेकर एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने अपने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सदर लोकसभा का नामांकन डीएम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर के विजयन पांडेन की मौजूदगी में तथा बांसगांव का नामांकन एआरओ अमित सिंह बंसल की मौजूदगी में किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी नॉमिनेशन की पूर्ण कर ली गई है, बैरिकेटिंग वगैरह लग गई है और बता भी दिया गया राजनीतिक दल को कि वो 3 वाहन में कैंडिडेट आ सकते हैं और बैरियर तक ही आ सकते हैं, 100 मीटर के अंदर उन्हें पैदल चल के आना होता है और मैक्सिमम 5 लोग जिसमें कैंडिडेट प्रपोजर जो भी हैं सब शामिल हैं। 5 से अधिक व्यक्ति नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते समय आरओ के रूम में इंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ईसीआई को जाती है, तो इसका वॉलेशन ना हो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और सारे आरओ हमारे सब समय से 11 बजे से बैठ गए हैं और इस समय लोग पर्चे लेने के लिए, नामांकन पत्र के लेने के लिए विभिन्न दलों के और जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं वो लोग अपना पर्चा ले रहे हैं। सर, यहाँ पर सर कहाँ कहाँ किस किस लोकसभा का नामांकन होगा? यहाँ पर 64 गोरखपुर लोकसभा के लिए आरओ साहब यहाँ के डीएम साहब के विजेंद्र पांडियन जी हैं और वो अपने कक्ष में न्यायालय कलेक्ट्रेट कक्ष संख्या 1 में बैठे हुए हैं और दूसरे एआरओ यहाँ पर हैं 67 बांसगांव के वीसी जीडीए साहब हैं जो अपने एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में पर्चे रिसीव करने के लिए बैठे हैं। शिक्षा व्यवस्था के लिए उनको बता दिया गया है कि 5 से अधिक व्यक्ति आरओ चैम्बर में दाखिल ना होने पाए और किसी प्रकार की शांति भंग या कोई ना होने पाए उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई। हाँ, बैरिकेटिंग कर दी गई है क्योंकि आयोग के निर्देश है कि 100 मीटर के अंदर कोई वाहन नहीं आना है, वहाँ से कैंडिडेट को पैदल ही आना है और उसके अलावा आरओ कक्ष में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सीसी कैमरे भी हैं, वीडियोग्राफर्स भी लगे हुए हैं, दोनों आरओ कक्ष में व्यवस्था है।